मेरा नाम इमरान अख्तर है और मेरे बेटे का नाम उमैर अख्तर है। हम लोग रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। और अचानक से मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो गया था। हम लोग को पहले से मालूम नहीं था, दो दिन में पता चला। तो किन्हीं ने हमको सजेस्ट किया था कि आप बैंगलोर चले जाओ। वो इमीडिएट बैंगलोर पहुँचे तो हमारे एक रिलेटिव है, वो बोले कि आपको मणिपाल चलना होगा। तो हम लोग आके फिर यहाँ पे एडमिशन लिए, डॉक्टर शरद से मिले तो उन्होंने बताया कि हाँ इनका ट्यूमर है, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा डर फिर हम लोग को ख़त्म हुआ उन शरद सर से मिलने के बाद। तो फिर बाद में उन्होंने ऑपरेट किया। दिस यंग बॉय अबाउट 4.5 ईयर्स ऑफ एज हैड कम टू अस वेरी ड्राउजी विद सीवियर हेडेक वॉमिटिंग ओवर द पास्ट 1.5 मंथ्स। And when he was seen in the emergency room, he was very drowsy and not responding very well. So we admitted him and investigated him to find a very large tumor arising from the hypothalamus. The hypothalamus is a center where we actually have control for all the hormones of the body, and that controls the pituitary gland. The hypothalamus is the source of the pituitary gland functions. Following this, we decided we'll go in for a surgery and try and just decompress the cyst because it was extremely large and need to try and save the hypothalamus. However, while dissecting, we realized that we were able to remove the tumor almost completely, preserving the hypothalamus. और बहुत अच्छे से ऑपरेट किया, सक्सेसफुली ऑपरेट किया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया ऑपरेशन के बाद। हम लोग डर रहे थे कि कुछ हो जाएगा, सेंस चला जाएगा, या सारा तो ब्रेन से ही कंट्रोल है। तो हम लोग को बहुत लोग बोला था कि सक्सेसफुल नहीं होता है, हम लोग में बहुत डर था। लेकिन सर ने इतने अच्छे से ऑपरेट किया, डॉक्टर शरद ने, कि हम लोग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और आज हम लोग का डिस्चार्ज भी है यहाँ से। ही डिड हैव सम इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंसेस एंड इट टुक अबाउट 10 डेज टू बी एबल टू सेटल इट। नाउ द चाइल्ड हैज इंप्रूव्ड एंड इज डूइंग वेल। ही इज रेडी टू गो बैक होम ऑन सर्टेन मेडिकेशंस एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर हॉर्मोन्स। In a few weeks or months, we'll be able to slowly taper off and stop these medicines, re-evaluate the child, and we'll probably have a near normal child again. हाँ, के सारे nursing staff से लेके even जो security है वो भी बहुत cooperative है। Even nursing भी सारे लोग उमर को पहचानते हैं by name, तो काफी cooperative लगा। Even मतलब हम तो अपने लाइफ में डॉक्टर शरद के जैसा डॉक्टर ही नहीं देखे जो 24 आवर अवेलेबल है। हम लोग रात में भी फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन पिक करते हैं और जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब हम एक्सप्लेन वर्ड में नहीं कर सकते। हम दूसरों को यही कह सकते हैं कि अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी हो तो एक बार डॉक्टर शरद से आप मिल लो।